नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। घर में पधारो गजानन जी। गणेश चतुर्थी का दिन लेकर आया है अपने साथ बहुत ही सारे शुभ संयोग। तो इस गणेश चतुर्थी आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से प्रथम पूज्य गणेश जी यानी विघ्नहर्ता के आपको पूजन करने हैं, और इन 10 दिनों में विशेष तौर पर किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कुछ भोग आपको गणपति जी को चढ़ाने हैं ताकि आपकी पूजा सफल हो जाए, इन्हीं सब पर आज हम बात करने वाले हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य अमित जी। सर, स्वागत है आपका। तो चलिए जल्दी से हम जानेंगे आखिरकार कि इन दिनों में आपको किस तरीके से विशेष ध्यान रखना है, और जब गणपति बाप्पा जब आपके घर में विराजेंगे तो आपको खासकर किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत। गणपति बप्पा मोरिया, जी हाँ, यही गूंज है जो चारों ओर आपको सुनाई दे रही है। लेकिन इस गणेश चतुर्थी पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपको गणेश जी की पूजा करनी है, और साथ ही प्रथम पूज्य गणेश जी को जब आप घर में लाएंगे तो किस तरीके से उनका स्वागत करना है, इस पर पहले आप रिपोर्ट देखिए और फिर हम इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे और जानेंगे आपके हर सवाल का जवाब। दर्शन से टल जाएंगे सारे विघ्न, मिटेंगे सारे जंजाल, अष्ट सिद्धिदायक गणपति सुख समृद्धि यश ऐश्वर्य वैभव संकट नाशन विघ्नहर्ता विद्या बुद्धि और ज्ञान के देवता का आगमन हो चुका है। सज गया है बप्पा का दरबार और हर तरफ छाया है उत्साह का माहौल। चतुर्थी पर जब लंबोदर ने लिया था जन्म, यानी वो दिन जब विनायक की प्रतिष्ठा होती है, बेहद शुभ। कहते हैं कि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। शिव पार्वती के पुत्र और भारतीय धर्म और संस्कृति में सबसे पहले पूजनीय और प्रार्थनीय है भगवान गणेश। उनकी पूजा के बिना ना तो कोई मंगल काम किया जाता है और ना ही कोई शुरू किया जाता है। जो कोई बप्पा को सच्चे मन से पूजता है, भगवान गणेश को चतुर्थी के दिन घर में लाकर स्थापित करता है और पूजा करता है, उस पर बप्पा की असीम कृपा होती है। गणेश चतुर्थी हर साल भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि को मनाते हैं। इसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इस बार 10 साल बाद गणेश चतुर्थी पर ऐसा शुभ संयोग बन रहा है, जैसा कि शास्त्रों में गणेश जी के जन्म समय के बारे में बताया जाता है। अब की बार भी कुछ ऐसा संयोग बना है कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि दोपहर के समय बुधवार को रहेगी, और इसीलिए इस शुभ संयोग में गणेश जी की पूजा अर्चना करना भक्तों के लिए बेहद कल्याणकारी होगा। गणेश चतुर्थी पर रवि योग का शुभ संयोग। अशुभ योगों के प्रभावों को नष्ट करता है रवि योग। गणेश चतुर्थी पर गृह गोचर का संयोग। मान्यता है कि इन दिनों भगवान गणेश को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाने से भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं गणेश उत्सव के दौरान बप्पा को कौन से भोग लगाने चाहिए।
भगवान गणेश के जन्मोत्सव के दिन मोदक का भोग लगाएं। गणेश उत्सव के दूसरे दिन भगवान गणपति को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं। तीसरे दिन एक दंत दयावंत की पूजा में बेसन के लड्डू जरूर शामिल करें। भगवान गणेश को केले का भोग लगाना उत्तम। गणेश जी को प्रसाद के रूप में मखाने की खीर जरूर चढ़ाएं। गणेश जी की पूजा में नारियल जरूर शामिल करें। विघ्न विनाशक गणेश की पूजा में मेवे के लड्डू का भोग लगाएं। मान्यता है कि दूध से बना कलाकंद भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। केसर से बनाए गए श्रीखंड भगवान लंबोदर को भोग के रूप में करें अर्पित। 10 दिन तक चलने वाला ये उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान घरों और बड़े बड़े पूजा पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश को विदा किया जाता है ताकि अगले बरस बप्पा फिर धरती पर आए और अपनी कृपा बरसाएं। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। तो चलिए, इस रिपोर्ट के जरिए तो आपने ये तो जान लिया कि भगवान गणेश जी को क्या कुछ प्रिय होता है, और कहा यह जाता है कि जब भी कोई मंगल कार्य करते हैं तो प्रथम पूज्य गणेश जी का आशीर्वाद लिए बिना ही आप कोई कार्य जो है वो नहीं कर सकते। यानी कि आप जब भी कोई कार्य करें तो आप प्रथम पूज्य गणेश जी का स्मरण कर उनका नाम लेकर करें। और इस कार्यक्रम का भी हम शुरुआत हमने इसीलिए भगवान गणेश के नाम लेकर ही की है। और चलिए, अब आपके तमाम जो सवाल हैं गणेश चतुर्थी को लेकर वो हम जान लेते हैं अमित जी से। अमित जी, सबसे पहले हमें बताइए, क्योंकि किसी भी पूजा के लिए विशेष होता है मुहूर्त, क्या कुछ मुहूर्त रहेगा शुभ? जी देखिए, गणपति जी के पूजन के लिए जो मुहूर्त होता है ये दोपहर का मुहूर्त होता है। जी, सभी पूजा में क्या होता है, सुबह किसी पूजा को करते हैं, किसी को शाम को करते हैं, किसी को रात को करते हैं, ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि गणपति जी का जन्म कब हुआ था, गणपति जी का भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को उनका जन्म हुआ था, वो भी मध्याह्न में हुआ था, मतलब दोपहर को हुआ था। तो आप किसी का बर्थडे कब मनाते हैं उसकी डेट पर मनाते हैं, और ख़ासतौर पर अगर पता हो कि सुबह पैदा हुआ शाम को पैदा हुआ तो कोशिश करते हैं कि सेलिब्रेट उस टाइम पर, क्योंकि वही तो मोमेंट था जब वो आए इस दुनिया में। तो इसलिए इस तरह से उनका जन्मदिन मनाया जाता है, एक तरह से हैप्पी बर्थडे है उनका, और दोपहर को है तो दोपहर को मनाना बड़ा अच्छा होता है। वैसे भी दोपहर को अभिजीत मुहूर्त होता है जी। तो अभिजीत मुहूर्त बहुत ही पावरफुल मुहूर्त होता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि इस दिन क्या करें, किससे मुहूर्त पूछने के लिए समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करें, सांध्यकाल से लेकर सांध्य के समय से लेकर सूर्यास्त में से सूर्योदय का समय घटा लें तो पूरा दिन मान आ जाएगा, दिन का समय कितना है उसमें से आधा करें और उसको सूर्योदय में जोड़ लें तो मध्याह्न समय आ जाता है, मतलब मिड डे। उस मिड डे में से आगे पीछे 24 मिनट कर लेते हैं तो वो अभिजीत मुहूर्त हो जाता है। अब देखिए, उसी में आ जा रहा है आपका गणपति जी के पूजन का समय। दूसरी बात बहुत अच्छी है कि बुधवार का दिन भी पड़ रहा है, जो बहुत ही अच्छा है गणपति जी के पूजन के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा संयोग है, इसीलिए इसमें पे करना है। अब समय कैलकुलेशन के हिसाब से आपको मैंने बता तो दिया, लेकिन आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, तो इस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, वह है सुबह का 11:05 से लेकर के 1:38 दोपहर के बाद का। यह समय सबसे बढ़िया है, सबसे शुभ है, इस समय पर पूजा करना काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत ही शुभ रहेगा, और दिन तो वैसे भी शुभ है क्योंकि बुधवार का दिन है, तो इसका लाभ आपको उठाना चाहिए जी, बहुत अच्छे से। बिल्कुल अमित जी, क्योंकि 10 दिन बप्पा घर में रहते हैं, हम जब बहुत ही गाजे बाजे के साथ बप्पा को लेके आते हैं, स्थापना करते हैं, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या कुछ ध्यान जो है गणपति स्थापना के वक्त रखना चाहिए। और एक प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं भी इस बारे में सोच रही थी कि 10 दिन क्यों रखना होता है गणपति जी को, और उसके बाद उनको विसर्जित कर दिया जाता है, इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में जरा बताएं हमारे दर्शकों। जी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में आता है लेकिन व्यक्ति संकोचवश पूछ नहीं पाता है, और ये प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी देवी देवताओं की पूजा एक दिन की जाती है। अगर नवरात्र में भी देखें तो एक देवी की एक दिन होती है, एक देवी की एक दिन होती है, एक देवी की, अकेली देवी की 10 दिन पूजा हो रही है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन गणपति जी, सिर्फ गणपति जी की पूजा 10 दिन तक हो रही है, तो इसका कारण क्या है, तो इसके बारे में एक घटना है जो आपको बताएंगे।
पहले आप समझ लीजिए गणपति जी को लाते कैसे हैं, क्योंकि आपको बहुत उत्सुकता होगी कैसे पूजा करना है, उसके बाद इस बारे में चर्चा करते हैं। गणपति जी को लाते समय क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखे गणपति जी को लाना है मिट्टी के बने हुए गणपति जी, हाँ मिट्टी के बने हुए गणपति जी आपको लाने हैं। और गणपति जी जब लाएँ तो उसमें ध्यान रखें कि गणपति जी के शरीर में, उनके कंधे में जैसे जनेऊ होता है कंधे पे, वैसे ही सर्प बना हुआ हो, या फिर उनके कमर में सर्प बना हुआ हो जनेऊ के रूप में, तो वो सबसे शुभ होता है। अगर ऐसे गणपति जी आपको मिल गए और आप वैसे गणपति जी को लेके आते हैं तो आपको धन के मामले में बहुत अच्छा रहेगा, मतलब आपको धन की दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक सूर का सवाल बनता है, यदि आप संभाल पाएँ, यदि आपको पूजन करना आता है, यदि आप गलतियाँ नहीं करते हैं, यदि आपको सब कुछ पता है ठीक से कैसे करना है, सावधानी बरत सकते हैं, तो दाहिनी तरफ सूर वाला लेके आना है, मतलब दाहिनी तरफ। जैसे मैं बैठा हूँ तो अगर मैं गणपति जी हूँ तो इस तरफ जो सूर होगा वो दाहिनी तरफ माना जाएगा, और इस तरफ होगा उसको बाईं तरफ माना जाएगा। तो दाहिनी तरफ सूर का लाएं, क्योंकि 10 दिन आपको पूजन करना है, और विशेष तौर पे कर सकेंगे तो फिर दाहिनी तरफ का लाएं, नहीं तो बाईं तरफ का लेके आएं, क्योंकि अगर बाईं तरफ वाले हैप्पी मूड में रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन दाईं तरफ वाले उग्र और पावरफुल मूड में रहते हैं, तो अगर दाईं तरफ वाले गणपति जी का पूजन करेंगे तो बहुत पावरफुल रिजल्ट आएगा और जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। लाते समय क्या ध्यान रखना है, लाते समय ध्यान रहे कि बहुत आदर मान के साथ शुद्ध कपड़े वगैरह पहन कर लेके आए। लेकिन गणपति जी जब आप घर में आए, आपके गणपति जी, तो आपको ऐसे करना है गणपति जी आपकी तरफ फेस किए हो, बिल्कुल इस तरह से उनको लेके आना है, ऐसे हाथ में गोद में लेकर के आए, तो ऐसे ऐसे आपकी तरफ फेस किया। ऐसे कई लोग क्या करते हैं, गणपति जी सामने, क्या होता है ना आजकल फोटो खींचनी है, सेल्फी लेनी है, बहुत कुछ करना है, उस चक्कर में गणपति ऐसे रखते हैं, गणपति जी सामने देखते होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, नहीं तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। गणपति जी के साथ विशेष गुण है कि गणपति जी के सामने तो समृद्धि होती है और गणपति जी के पीछे दरिद्रता होती है। यदि आप खुद ही पीछे खड़े रहेंगे तो फिर आप समझ लीजिए दरिद्रता का मतलब क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें होने लगी आपके शरीर में, आपके घर में। तो बेटर है कि आप ऐसे गणपति जी को लेके आए, गणपति जी आपको फेस करते हुए इस तरह से लेके आए, और उसके बाद गणपति जी को स्थापित भी करें तो भी ऐसे ही करके स्थापित करें जी, तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे कई बार है कि मंच के पीछे चले गए, जहाँ गणपति जी को स्थापित करना, पीछे से जाकर के ऐसे सामने के रखें, वो बिल्कुल नहीं करिएगा, जैसे मैंने बताया सामने से ही ऐसे रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से उनको स्थापित करना है। गणपति जी को चढ़ाने के लिए अक्षत चढ़ाना है, जो बिना टूटा हुआ चावल, उसमें हल्दी जरूर लगाकर उसको पीला कर लें, सादा चावल नहीं चढ़ाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारी पूजा के तरीके होंगे आपके भिन्न भिन्न, लेकिन मेरे को विशेष बात बतानी है, क्योंकि हम सारी बताएंगे तो समय कम पड़ जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट चीज करनी है, चावल का मैंने बताया, अक्षत, जिसको चावल को ही अक्षत कहते हैं, मतलब बिना टूटा हुआ चावल को अक्षत, मतलब छत विच्छत नहीं हुआ, मतलब टूटा नहीं हुआ है, तो वैसे को हल्दी के साथ मिला करके आप चढ़ा सकते हैं। दूसरा ध्यान रहे कि गणपति जी को बिल्व पत्र, मतलब बेल का पत्र और शमी का पत्र चढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा चढ़ाने से बहुत ही लाभ होगा, और इसके चढ़ाने की एक विधि भी आपको बताएंगे जिससे आपको बहुत फायदा होगा मंदिर में जी। तो इसमें क्या है कि इस तरह से करके आप पूजन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गणपति जी को मोदक बहुत प्रिय, जैसे आपने देखा ही है अभी क्या क्या उनको पसंद है, तो वो सारी चीज चढ़ा सकते हैं। एक चीज लोग भूल जाते हैं जो लोगों को कम पता है, ईख भी चढ़ाना चाहिए, गन्ना, गन्ना भी गणपति जी को चढ़ाना चाहिए, टुकड़ा करके अगर छिल करके गणपति जी को चढ़ाते हैं, उसके बाद भोग उनको लगाने के बाद खुद सभी लोग खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये भी बहुत प्रिय है उनको। तो इस तरह से इन चीज़ों का, जो भी गणपति जी को प्रिय है वो सारी चीज़ें चढ़ाएं, कुछ मन से भी चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। उनको जिस आसन पे बिठाएंगे वो आसन पीले रंग का हो तो बहुत अच्छा रहेगा, लकड़ी के आसन पे बिठाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, आजकल मेटल बहुत चल रहा है, मेटल अवॉइड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके पास मूर्ति लेने की क्षमता नहीं है तो आप मिट्टी से स्वयं भी बना सकते हैं, चाहे जैसी भी बना लें, जैसी आपकी क्षमता है, भावना अच्छी रखें तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। उसमें हल्दी लगा लें, या हल्दी से भी बना सकते हैं आप, हल्दी को भी गीला करके उसमें बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से करके गणपति जी की स्थापना करना बहुत अच्छा रहेगा, और उसके बाद आपको 10 दिन तक पूजा करना है। तो जिस दिन आपने स्थापना किया, उनका जन्मदिन है, उस दिन से लेकर के 10 दिन तक पूजा की जाती है। जी बिल्कुल, और इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि अमित जी आजकल दिखावे के लिए लोग गणपति जी की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां जो है ले आते हैं और उसके बाद विसर्जित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो मूर्ति जो होती है वो ऐसे ही वहां पर या तो खंडित हो जाती है या विसर्जित नहीं होती। एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि मिट्टी के गणेश जी जो है वो आप लाइए दर्शकों, क्योंकि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनका इस तरीके से अनादर हो, तो मिट्टी के जो गणेश जी हैं वो आप जरूर आप उन्हीं को लाइए, क्योंकि भगवान जो है वो दिखावा नहीं मानते हैं, भक्तों की जो श्रद्धा है वो मानते हैं। लेकिन इसके साथ में एक सवाल यहां पर पूछना चाहूंगी, प्रथम पूज्य का दर्जा जो है वो गणेश जी को मिला है, लेकिन इसके पीछे सर क्या कहानी है, हम विस्तृत तौर पर आपसे जानना चाहेंगे कि आप संक्षिप्त शब्दों में बताएं क्या कहानी है इसके पीछे, क्योंकि इससे बहुत बड़ी एक सीख जो है वो छिपी हुई है।
गणपति जी को सबसे पहले पूजा जाता है, इसलिए पूजा जाता है कि एक वार्निंग है जी, आपको वार्निंग दी जाती है कि पूजा मत करो। क्यों नहीं करो जी? पूजा के लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता होती है, यदि आप योग्य नहीं है तो पूजा मत करो। बिल्कुल शिव जी ने कहा है। क्यों? क्योंकि गणपति जी क्यों पूजे जा रहे हैं, सबसे पहले सोचिए, गणपति जी इसलिए पूजे जा रहे हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के बजाय अपने माता पिता को ही सर्वस्व मान करके चक्कर लगाया था जी। मतलब उन्होंने ब्रह्मांड से ज्यादा प्रायोरिटी, मतलब महत्व अपने माता पिता को दिया था जी। अब आप देखिए, आप पूजन करने जा रहे हैं, कोई भी पूजन, किसी देवता का पूजन करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो, क्योंकि देवता में सबसे ज्यादा सबसे पहले गणपति जी के पूजन करना मस्ट है। बिल्कुल। गणपति जी के पूजन क्यों की जा रही है? क्योंकि इसलिए की जा रही है, उन्होंने अपने माँ बाप को महत्व दिया था। तो यदि आप पूजन करने जा रहे हैं तो आपका दिमाग में घंटी तो बजेगी ना कि भाई इनको पूजा जा रहा है, सबसे देवताओं में सबसे ज्यादा पहले पूजा जा रहा है क्योंकि इन्होंने अपने माँ बाप को महत्व दिया था। क्या आपने अपने माँ बाप को महत्व दिया है जी? क्या हो सकता है कि आपके पिताजी प्यासे हों, आपकी माँ प्यासी हों, आपके माँ बाप भूखे हों, या उनको आपने दवा नहीं दिया है, या उनको कोई तकलीफ है, या उनको तकलीफ हो रही थी, नहाना था, आपने उनको नहलाया नहीं और बैठ के देवी देवताओं की पूजा करने के लिए, तो आप कहीं से एलिजिबल नहीं है, मत कीजिए पूजा, आप पूजा करने के लायक ही नहीं है और आप नालायक हैं। जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता है वो इंसान नालायक ही कैटेगरी में आता है और उसको देवता किसी तरह से इज्जत नहीं करते हैं, उसकी उसकी तो सुनेंगे ही नहीं चाहे कितना भी पाठ कर जाए। तो इस सिंपल सी बात है, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, सबसे पहले माँ बाप की सेवा करिए, माँ बाप को प्रसन्न करके हो सके तो उनको बिठाइए, पूजन में सामने बिठाइए, पास में बिठाइए, उसके बाद आप पूजन करिए। वो ज्यादा बूढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं नहा पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, सब क्षम्य है, शास्त्र में लिखा है कि बहुत बुजुर्ग हैं तो पूजा पाठ करने के लिए उनको नहाने की भी आवश्यकता नहीं होती, बीमार हैं तो रोगी के लिए भी बहुत सारी क्षम्य है। तो इसलिए आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक तरह से वार्निंग है कि आप अपने माँ बाप को महत्व दीजिए, उसके बाद पूजन, यदि आप अपने माँ बाप को महत्व देते हैं, पूजन करते हैं तो बिल्कुल सफल होता है। यही माँ बाप को महत्व देने में अगर आप बहुत ज्यादा गलतियां करते जाते हैं तो बाद में पितृदोष हो जाता है, तो वैसे ही जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए एक तरह से बहुत अच्छी बात कहा गया है, एक तरह से वार्निंग दी गई है। बिल्कुल। तो यानी कि अपने माता पिता का आप सम्मान करें, और अगर आपके मन में नकारात्मक भाव है किसी के लिए भी, तो आप चाहे कितने भी बड़े बड़े पंडाल लगा ले, कितने भी बड़े गणेश जी बैठा ले, लेकिन भगवान की जो, भगवान के ऊपर जो आस्था रखने वालों की उन्हीं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जिनके मन में दूसरों के लिए आदर है, भक्ति भाव है, माता पिता के प्रति सम्मान है। ये एक बहुत बड़ी सीख है जो कि गणेश चतुर्थी अपने आप में एक संदेश लेकर आती है। अमित जी, वास्तु दोष के बारे में हमें बताइए, गणेश जी की स्थापना का वास्तु दोष दूर होने से किस तरीके का संबंध है? देखिए, गणपति जी बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है, मतलब विघ्नहर्ता कहते हैं इनको। और आपके घर में अगर कुछ गड़बड़ है, दिक्कतें हो रखी हैं, तो क्या है, गणपति जी इतने पावरफुल और देवताओं में सबसे ज़्यादा आगे इनकी पूजा की जा रही है, मतलब सभी देवताओं से ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है इनको। तो अगर गणपति जी सही तरीके से आपके घर में हैं तो आपको उनका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या है, आजकल कुछ समय पहले लोगों ने गलतियाँ ही कर दिया, सब जगह गणपति जी लगाना शुरू कर दिया घर में प्रवेश में, क्योंकि गणपति जी कहते हैं कि स्टार्टिंग करने के लिए गणपति जी को स्टार्ट पूजा की जाती है। तो लोगों ने क्या किया, घर में जो जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं, जिन्होंने शास्त्र ठीक से नहीं पढ़ा था, वैसे लोगों ने, क्योंकि बीच में भरमार आई थी, बहुत लोग ज्योतिषी बन गए थे, बहुत लोग वास्तु करने लगे थे जिनको पूरा नॉलेज नहीं था, तो वो क्या किया, शास्त्र पढ़े नहीं और शुरू हो गया। तो उसमें क्या किया, सबके घर के सामने गणपति जी स्थापित करने लगे, गेट पर गणपति जी लगाने लगे। अब उससे क्या हुआ, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत दिक्कतें शुरू हो गई। अब दिक्कत हो गई तो जो जो भी ज्ञानी गया, अब बड़ा परेशान, वो क्या करे, तो उसने क्या किया कि एक गणपति जी के पीछे, उसको उनको उखाड़ने में लोग परिवार वाले परेशान हो रहे, तो उन्होंने पीछे दूसरे गणपति जी लगा दिया, मतलब गणपति जी के पीठ पीठ सड़ा करके बना दिया। लेकिन उसमें भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि गणपति जी सेम पावर के तो है नहीं, हो सकता है वो साइज का फर्क हो सकता है क्वालिटी का फर्क हो, बहुत कुछ हो सकता है, तत्व का फर्क हो, किस मिट्टी के बने हैं, एक मेटल के बने हैं या पत्थर के बने हैं। तो इस वजह से ऐसे चक्कर में ना पड़े, गणपति जी को द्वारपाल ना बनाए, गणपति जी गेटकीपर नहीं, गणपति जी बहुत पावरफुल। और अगर गणपति जी को अगर आपने कष्ट दिया, अपमानित किया, दुख दिया, तो शिवजी नाराज हो जाते हैं, पक्की बात है। इस पे सच्ची सच्ची घटनाएं हैं कि अंग्रेज ने अपमानित किया था और उसके बाद उनके बेटे को बहुत बुखार हो गया था, और बाद में शिवजी ने उनकी पत्नी को, जो पत्नी मानती थी शिवजी को और गणेश जी को, बहुत श्रद्धा रखती थी अंग्रेज, तो उसको सपने में बताया कि हमारे बेटे को अपमानित किया, इसी वजह से कष्ट है, जाकर के एक ब्राह्मण को जाकर के मेरे बेटे को दे के, मतलब मूर्ति को दे के। वो इंडिया आए इंग्लैंड से और उसको दिए वापस मूर्ति ब्राह्मण को, और ब्राह्मण को सपने में बता दिया था कि आने वाले हैं मेरे गणपति जी, मेरे बेटे आने। तो इस तरह से करके वो उनका बुखार ठीक हो गया था, और इस तरह की बात हुई। तो गणपति वाकई बहुत पावरफुल है, शिवजी का सपोर्ट उनके साथ पूरा, शिवजी की पावर भी उनके साथ है। तो इसीलिए गणपति जी को सही तरीके से स्थापित करेंगे तो बहुत फायदा होगा। ध्यान रहे कि कोई भी मूर्ति घर में स्थापित करते हैं तो बहुत नियम का पालन करना पड़ता है। मैंने पहले भी बताया कि बित्ता प्रमाण होता है, यहाँ से यहाँ तक, जो घर में जैसे पति पत्नी है तो पत्नी का अगर बित्ता प्रमाण छोटा है
तो छोटा रखें, क्योंकि अगर आपके हिसाब से ले लिया और पत्नी का आपके इतना छोटा है तो उनके हिसाब से मूर्ति पूजन योग्य नहीं रह जाएगी, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे उसको। तो इसलिए क्या है कि छोटी ही रख लें, ज़्यादा छोटी रख लें तो और भी अच्छी बात है, आपको करना क्या, भाव ही तो व्यक्त करना है। तो इसलिए क्या है कि छोटी रखें, बस ये देखें कि फेस बहुत प्यारा होना चाहिए, आपके से आपसे अच्छा होना चाहिए। किसी देवी के रख रहे हैं तो आपकी पत्नी से कम खूबसूरत हो, देवी देवता रख रहे हैं और आपसे भी सुंदर नहीं है तो उनका अपमान ही तो है जी। तो इसलिए ऐसा ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जब पूजा करते हैं तो उसमें पर इस बात का ध्यान रखें कि पूजन सामग्री वगैरह का विशेष ध्यान रखें। उनको दूब की घास चढ़ाना बहुत ही अच्छा रहता है, आप कुछ नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो परेशान मत होइए, दुर्वा की घास होती है उनको चढ़ाएं, और साथ में लड्डू चढ़ा सकते हैं। लड्डू बाजार से खरीदने के बजाय घर में बना करके, बेशक फ्रिज में रख लें, बाद में गर्म करके चढ़ा दें, लेकिन शुद्धि होनी चाहिए, चीनी नहीं होना चाहिए उसके अंदर, देसी खांड का इस्तेमाल करें, सभी चीज़ शुद्ध हो, तब जा करके गणपति जी को प्रसन्नता मिले, क्योंकि आपने उनके लिए अफर्ट किया है, प्रयत्न किया है, नहीं कि बाजार से लाके फिर फॉर्मेलिटी कर दिया है। तो उसमें भाव देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं जी। बिल्कुल अमित जी, एक सवाल और है, क्योंकि आजकल बहुत एक तरीके का इसे फैशन ही समझ लीजिए, वक्त बदलता है, इस तरीके के फैशन जो है वो देखने को मिलते हैं कि जब हम किसी को भेंट स्वरूप गणपति दे देते हैं, अब क्या ये शुभ होता है, क्या ये सही होता है? ये बहुत प्रचलन हो गया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो ऐसा हो गया गणपति जी बहुत ब्यूटीफुल गणपति जी, तरह तरह के स्टाइलिश गणपति जी को नटराज जैसे गणपति जी बना करके गिफ्ट कर रहे हैं, और ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि गणपति जी की मूर्ति अगर किसी को कोई देता है तो देने वाला होता उसके पास से समृद्धि संपत्ति वगैरह का नुकसान होना शुरू हो जाता है, वो जाने लगती हैं। इसलिए कभी भी किसी को गणपति जी की मूर्ति गिफ्ट ना करें, मान लीजिए मेरी बात, नहीं तो आप करके देख लीजिए, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके बाद समाधान करने में आपको बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए ऐसा मत करें, बिल्कुल किसी को गिफ्ट ना करें, ठीक है? आप खरीद के लाएं, कोशिश करें कि जब खरीद रहे हैं तो जिससे भी खरीदें, कोई मिट्टी का खरीदेंगे तो कुम्हार से ही खरीदेंगे, मिट्टी मूर्तिकार से ही खरीदेंगे, उसकी कीमत बार्गेन मत करिए, उसको इतनी कीमत दीजिए कि उसको खुशी मिले। अगर उसने बोला एग्जाम्पल कि 100 रुपये का बोला, आप उसको 110 रुपये दे दीजिए, आपको भी तो अगर पैसे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा पैसा दे तो कितनी खुशी मिलती है। अगर किसी को तनख्वाह मिल रही है, कहे कि भाई तनख्वाह में तुमको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, वो कितना खुश हो जाता है। तो इसलिए इसी तरह से अगर आप कोई मूर्तिकार को, उसने वो कलाकार है, उसको अगर आप उसकी इज्जत करते हैं, उसको जो खुशी मिलेगी उस खुशी से आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। तो इसलिए कभी भी भगवान की मूर्ति के लिए बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए, ऐसे करके लेके आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात एक और ध्यान रखें कि मूर्ति में ना एक चीज़ है कि लोग सिंथेटिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब विसर्जन करते हैं तो पॉल्यूशन होता है, और मूर्ति ऐसी होनी चाहिए कि उसको मिट्टी में जब नदी में या किसी पानी में डालें तो घुल के समाप्त हो जाए, पूरी तरह से घुल जाए, तो इसमें बहुत अच्छा रहता है। इसके बारे में अभी हम लोग रह गया पेंडिंग वो 10 दिन का, तो ये भी बता देते हैं कि 10 दिन तक क्यों पूजा जाता है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, रह गया तो बहुत सभी के मन में रहेगा जी। और इसके बारे में क्या है कि 10 दिन तक क्यों पूजा जाता है, तो गणपति जी को 10 दिन तक पूजने का एक रहस्य है, वो ये है कि जब वेद व्यास जी के मन में महाभारत था, है ना, उनके स्मरण में, क्योंकि पहले के ऋषि मुनियों का स्मरण बहुत तीव्र होता था और शास्त्र वगैरह सब उनके कंठस्थ होते थे, मन में होता था, तो वेद व्यास जी के मन में तो महाभारत था, लेकिन उनको लिखना था, मतलब राइटिंग में लिखना था जी। तो क्या था उसके लिए, लेकिन शर्त यह थी कि वो जो भी लिखेगा वो रुकेगा नहीं, लगातार लिखना था जी, जी, उसमें जरा सा भी रुका तो वहीं रुक जाएगा, पूरा नहीं लिखा जा सकेगा। तो अब ये था कि ये तो बड़ी अजीब सी शर्त है महाभारत के लिए, तो ऐसा कौन होगा योग्य, तो ये हुआ कि गणेश जी ही पावरफुल हैं जो कि इतने दिन तक लिख सकते हैं लगातार, कि मतलब पूरा महाभारत कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से करके गणपति जी से रिक्वेस्ट किया, गणपति जी तैयार हो गए कि हाँ भाई चलो ठीक है लिखते हैं। उसके बाद गणपति जी जब लिखना शुरू किया तो लिखने में काफ़ी मेहनत थी, और इस तरह से लिखने के क्रम में वो पानी भी नहीं पीने का समय मिलता था उनको, और लगातार लिखते लिखते थक गए, उनको पसीने भी होने लगे। तो फिर क्या हुआ कि वेद व्यास जी देखे तो उनको भाई सहानुभूति हो रही थी, क्योंकि वो श्लोक बोलते जा रहे थे, गणपति जी लिखते जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि मिट्टी लेकर के उनके ऊपर देह पे लगा दिया, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था, क्योंकि लिखते लिखना जारी रहा था, वो बोलते जा रहे थे श्लोक, वो लिखते जा रहे थे, वो मिट्टी भी लगाते जा रहे थे, तो उससे क्या हुआ मिट्टी सूख के थोड़ी कठोर भी हो गई। तो इस तरह से क्या है, गणपति जी को पसीने से तो आराम मिला लेकिन शरीर थोड़ा कठोर हो गया, इसकी वजह से गणपति जी का नाम पार्थिव भी कहा जाता है जी, पत्थर जैसे कठोर हो गया ना, तो पार्थिव भी कहा गया है, तो पार्थिव का मतलब गणेश जी होता है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब वो पूरा 10 दिन तक कंप्लीट किया उन्होंने, 10 दिन का समय लग गया और बिल्कुल अकड़ गया उनका शरीर, मिट्टी भी लगा हुआ था और थक भी गया था बुरी तरह से, तब वेद व्यास जी बड़े प्यार से उनको ले जा करके नदी में, पवित्र नदी में उनको बिठाए, ताकि उनका जो मिट्टी कठोर हो गई थी वो हट जाए, वो मुलायम हो जाए, उनको आराम मिले, रिलीफ मिले, क्योंकि गर्म भी हो गए थे बिल्कुल लिखते लिखते, तो शरीर भी गर्म तप रहा था, तो उसको उन्होंने इस तरह से किया। इसीलिए गणपति जी को मिट्टी के रूप में बनाना बहुत अच्छा है, क्योंकि मिट्टी का एक तरह से उनका संबंध बन जाता है। दूसरा क्या है, 10 दिन तक चूंकि उन्होंने महाभारत लिखा था,
है ना। तो 10 दिन तक लिखते रहे थे, तो 10 दिन तक आप उन्होंने आपके लिए एक शास्त्र लिख के दिया है, तो इतना तो बनता है कि 10 दिन तक उनको रेस्पेक्ट देने के लिए थोड़ी थोड़ी पूजा कर लें। तो आप 10 दिन तक पूजन करिए, उनको सम्मान दीजिए कि आपने महाभारत की रचना किया, लिखा, रचना नहीं लिखा। तो उसके बाद फिर क्या है कि जो विसर्जन करने का समय होता है, तो वो 10 दिन के बाद वो मिट्टी के गणपति जी को विसर्जित करते हैं। तो इस वजह से 10 दिन तक मनाया जाता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जाना कि गणेश चतुर्थी पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या आपको किस तरीके से पूजा जाता है, क्यों पूजा जाता है। अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इस दिन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, शुभकामनाएं। तो इस गणेश चतुर्थी आपको किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, और एक विशेष संदेश है दर्शकों गणेश चतुर्थी का, कि आपको अपने माता पिता का सम्मान करना है, तभी प्रथम पूज्य गणेश जी का सम्मान हो पाएगा, ये आपको हमेशा स्मरण रखना है। चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, गणपति बप्पा मोरिया।